नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में समर्थन को लेकर केरल के कांग्रेस नेताओं में मतभेद हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, कौन किसका खेल बिगाड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबले के लिए मंच तैयार है। हालांकि शीर्ष पद के लिए इन दोनों नेताओं में से किसका समर्थन किया जाए, इसे लेकर केरल के कांग्रेस नेताओं में मतभेद उभरता हुआ दिख रहा है। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीडी सतीशन सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं ने खुले तौर पर खड़गे का समर्थन किया है, तो लोकसभा सांसद ईबी ईडन जैसे कुछ नेताओं ने थरूर का समर्थन किया है। आप दर्शकों को बताते चलें कि कोची में संवाददाताओं से बातचीत में सतीशन ने कहा कि उनके समेत राज्य के नेता और कार्यकर्ता खड़गे की सफलता के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे उस गौरवशाली लक्ष्य क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब एक दलित नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। उन्होंने कहा कि खड़गे को सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद नामित किया गया है, इसलिए खड़गे का समर्थन किया जाएगा। खड़गे की 80 साल की उम्र को लेकर की जा रही आलोचना को खारिज करते हुए सतीशन ने कहा कि वह एक अनुभवी नेता हैं और उम्र मायने नहीं रखती। सतीशन ने यह भी कहा कि राज्य के कुछ नेताओं द्वारा थरूर का समर्थन करने से केरल कांग्रेस में दरार नहीं आएगी। तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से, अब सवाल ये भी है कि आखिर क्या वाकई में जो एक आरोप लगे हैं कि कांग्रेस थरूर बनेंगे अध्यक्ष तो गांधी परिवार के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, और वही मल्लिकार्जुन रहते हैं तो फिर गांधी परिवार के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो जो खड़गे साहब के जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगा। यही वजह है कि उनके नामांकन के वक्त समर्थन में बहुत सारे लोग उतरे थे। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है और वाकई में आगे कांग्रेस की तरक्की कैसे होती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पेन 9 न्यूज़।